नमस्कार भाई लोग। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और एक खास बात हमारे इस लोंडो के लिए कि अभी एग्जाम चल रही है तो थोड़े से पढ़ने लिखने में ध्यान देना, कहीं फेल वेल हो गए तो बाप से पिटाई सहनी ना पड़े। कहानी की शुरुआत होते ही हम एक किसान को देखते हैं और उसके घर में भाई लोग, उसका भाई और उसकी एक बेटी और एक बच्चा था। वो अपने घर पर रात को डिनर करके बैठे ही थे, लेकिन अचानक से उसके खेत में कहीं अजीबो गरीब आवाजें आने लगती है। किसान वहां पर जाता है, लेकिन तब तक वो आवाजें बंद हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहां पर उसे अजीब से राउंड जैसे सर्कल दिखाई देते हैं। अभी यहां पर किसान ये अच्छे से समझ चुका था ये कोई इंसान का काम नहीं है और आधे घंटे के अंदर ही कोई मशीन भी ऐसे गड्ढे नहीं बना सकती। इसलिए वो पुलिस को कॉल करता है और उसे ये सारी बातें क्लियर करता है। पुलिस वालों की एक चिकनी लेडी वहाँ पर आती है और वो देखती है, लेकिन उसे भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये साला बावली हरकत आखिर की किसने। वो चिकनी पुलिस वाले हमारे इस किसान को कहते हैं कि तुम सभी टेंशन नहीं लेना, हम सभी ये सारी सिचुएशन संभाल लेंगे। अभी अगले दिन की सुबह किसान के पास एक कुत्ता था जो कि किसी ने मार गिराया था। अभी यहाँ पर किसान थोड़ा सा भौचक्का की आइटम में बहुत ही घबरा चुका था। ये साला ये ऐसी वैसी हरकतें आखिर कौन कर रहा है। दोपहर के वक्त जब किसान अपने घर में टीवी देख रहा होता है तभी टीवी में एक न्यूज आती है जिसमें किसान के खेत में जो सर्कल मौजूद थे ऐसे ही सर्कल दुनिया में कई और जगहों पर भी देखे जा चुके थे। और रिपोर्टर और वैज्ञानिकों का यह दावा था ये सारे सर्कल एलियनों ने किए हुए है। अभी ये न्यूज सुनकर हमारा किसान और उसकी फैमिली थोड़ी सी डर चुकी थी, ये साला कहीं यहाँ पर एलियन हुआ तो हमें मार डालेगा। किसान के बेटे को एक वॉकी टॉकी जैसा एक डिवाइस मिला था, वो सभी लोग उसे ऑन करते हैं और उसमें से थोड़ी सी अजीबो गरीब आवाजें आती है। लेकिन किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें से जो कोई भी बोल रहा है वो आखिर कहना क्या चाहता है। शाम को किसान और उसकी फैमिली एक न्यूज में देखते हैं कि अजीबो गरीब तरह से आए हुए कई विमान थे जो कि आसमान में एक दो बार कई लोगों ने नोटिस किए थे। लेकिन यहाँ पर भी रिपोर्टरों का यह दावा था कि जो विमान आम लोगों ने देखे वो हमारी दुनिया के नहीं थे, मतलब कि यहाँ पर भी साफ तौर से रिपोर्टरों का एलियन की ओर ही इशारा था। थोड़ी ही देर में भाई लोग न्यूज में एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल होता है जिसमें एक एलियन इंसानों की सोसाइटी में दिखाई दिया हुआ था और उसे देखकर वहां पर मौजूद सारे इंसान पूरी तरह से डर चुके थे। टीवी चैनलों के न्यूज रिपोर्टर साफ साफ सारे लोगों को ये आदेश दे रहे थे कि जो भी अपने अपने घर पर मौजूद हो वो अपने घर को पूरी तरह से पैक कर ले और पूरी तरह से अपने आप को अपने ही घर में बंद कर दे ताकि बाहर से कोई भी घिनौनी चीज आपके घर के अंदर एंटर ना कर पाए। अभी भाई लोग यहाँ पर किसान अपनी फैमिली को बचाने के लिए इसी बात को सही मानकर अपने आप को पूरी तरह से अपने ही घर को अंदर से लॉक कर लेता है। और लॉक भी ऐसा करता है कि सारा एलियन तो क्या, हवा को भी अंदर आना होगा तो उसे भी 10 बार सोचना पड़ेगा। किसान और उसकी फैमिली घर के अंदर एक तहखाना मौजूद था यहाँ पर छुपे हुए थे, लेकिन बाहर की ओर से कोई अजीब सी चीज खिड़की के अंदर अपना हाथ डालती है और किसान के बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन ये सभी किसान और उसका भाई नोटिस कर लेते हैं और किसान अपने बच्चे को किसी भी तरह से बचा लेता है। धीरे धीरे भाई लोग ये रात खत्म हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब सारे लोग उठते हैं तो किसान देखता है कि उसका छोटा सा प्यारा सा बच्चा एलियन के हाथ में है। और एक बार भाई लोग ये वीडियो गौर करके देखिए कि उस एलियन साले में इतनी ताकत थी कि वो किसी भी रंग रूप में अपने आप को ढाल सकता था। एलियन के हाथ में से एक स्प्रे निकलता है जिसकी वजह से किसान का बेटा बेहोश हो जाता है। एलियन किसान के बेटे को लेकर वहां से निकलने ही वाला था, लेकिन किसान का भाई वहां पर एक बेसबॉल के धोखे से एलियन पर वार कर देता है। मौका देखकर किसान अपने बेटे को बचा लेता है। किसान का भाई एलियन को बुरी तरह से पीट रहा था, लेकिन अचानक से पानी का ग्लास गिर जाता है और पानी की वजह से एलियन बुरी तरह से जख्मी होने लगता है। यहाँ पर किसान का भाई समझ चुका था कि पानी की वजह से ये एलियन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा।
इसलिए वहाँ पर ढेर सारे पानी के ग्लास थे जो किसान का भाई उस एलियन के ऊपर डाल देता है और यहाँ पर उस खौफनाक एलियन की पूरी तरह से मौत हो जाती है भाई लोग। तो भाई लोग यहाँ पर इस चुलबुले खतरनाक एलियन वाली मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।